बिहार की नंबर वन एलईडी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी एल्को एलईडी लाइट्स स्मार्ट एंड ब्राइट कॉन्टैक्ट फॉर डिस्ट्रीब्यूटरशिप। फुलकाहा थाना क्षेत्र अंतर्गत भंगी पंचायत के वार्ड संख्या 10 में एक 25 वर्षीय विवाहित के रहस्यमय हत्या मामले को लेकर मृतका के मां के आवेदन पर फुलकाहा थाना में पति सास ससुर गोतनी सहित 8 लोगों पर नामजद प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। प्राथमिकी दर्ज के बाद से ही पुलिस टीम के द्वारा नामजद की गिरफ्तारी को लेकर छापेमारी अभियान चलाया जा रहा है। वही घटना के बाद गुरुवार को जानकारी मिलते ही फरवेशगंज डीएसपी खुसरू सिराज ने घटनास्थल पर पहुंचकर कई बिंदुओं पर जांच पड़ताल किया। साथ ही परिजन सहित आसपास क्षेत्र के लोगों से भी घटना का जानकारी लेते हुए थाना अध्यक्ष को अविलंब कार्रवाई करने का सख्त निर्देश भी दिया। आपको बता दें कि ज्योति कुमारी परिजनों ने आरोप लगाया है कि उनके पति के द्वारा ही बुधवार को रहस्यमय तरीके से हत्या कर दिया गया था। हत्या के बाद जानकारी मिलते ही जहां परिजन फरार बताए जा रहे थे, वही सूचना पर पहुंचे मायके वाले की मौजूदगी में पुलिस टीम ने मृतका के शव को कब्जे में लेते हुए पोस्टमार्टम के बाद प्रकाश चौधरी के परिजनों को सुपुत्र कर दिया था। निधि सिंह के साथ रंजीत ठाकुर की रिपोर्ट। जानकारी लड़की का जो कल मौत हुआ तो पोस्टमार्टम के बाद क्या सब हुआ? पोस्टमार्टम के बाद हम तो बेहोश थे, होश नहीं था हमको, हम तो अपना चल गए घर रहने के लिए। रात में ये लोग कब लाश को लाया कब नहीं लाया हमको कुछ पता नहीं है। हम बोले कि सवेरे में जलाएगा, अंतिम संस्कार करेगा, जो सवेरे में नहीं किया रात में ले जाकर फेंक दिया नदी में कि गाड़ दिया कि जला दिया, हमको कुछ पता नहीं। लाश को किसके हैंडओवर किया गया, किसके हाथ में सौंपा गया था रात में? यही घर लड़का के तरफ, यानी सुनील चौधरी के तरफ। सुनील चौधरी को सौंपा गया था, प्रकाश चौधरी को सौंपा। तो आज जो आप थाने में आवेदन दिए हैं, उस आवेदन में कितने आदमी को आरोपी बनाया है? आरोपी 8 आदमी। 8 आदमी, कौन कौन लोग हैं उसमें? उसमें फोक्ची देवी है, शंकर का बीवी, सुरेश का बीवी है, सुरेश चौधरी है, प्रकाश चौधरी है, सुनील चौधरी है, शिवजी चौधरी, उमेश महेश। तो इतने लोग मिल करके आपकी बेटी का मर्डर केस है इसको यहाँ के लोग जो बता रहे हैं कि वो आत्महत्या की है, सुसाइड की है। नहीं है, हमारा लड़की अपना से मरिए नहीं सकती है, इतना उसको पावर नहीं है कि अपना जान अपने लिए सकती है। उसको मार के सुता दिया है। तो क्या आवेदन थाना में दिए? हाँ दिए हैं। तो अभी आया डीएसपी, आया चेक किया, इंक्वायरी किया, घर को देखा, छानबीन किया, लीक पढ़ के सब ले गए हैं। पर उस दिन आए हम तो पंखा नहीं देखे टूटा हुआ, आज आए हैं तो बोलता है पंखा टूटा हुआ। घर की चाबी किनके पास था? घर के चाबी हम उसी दिन लॉक करके हम अपना पास में ले गए कि प्रशासन को फिर दिखाएंगे। आज आए डीएसपी को लेके, अपना फुला थाना से दरोगा को लेके, तो देखते हैं घर का पंखा टूटा हुआ है, तो खिड़की देके घुस के कोई तोड़ दिया है पंखा। अभी अभी घर रूम बंद करके चाबी फिर किन के पास दिए? उसी घर वाली के पास में दे दिए, प्रकाश चौधरी को। घर में उसका समधी जो है कत्था चूना जो लगाता है गड़की का, उसी को दे दिए हाथ में। क्या नाम है उनका? उसका नाम नहीं जानते हैं, यानी प्रकाश चौधरी के समधी को चाबी दिए, समधी को रूम का। शंकर चौधरी का ससुर को।